किड्स, हेलो किड्स, कैसे हैं आप सब? दिस इज योर फेवरेट जी स्क्वायर और वेलकम टू गर्मागोल बायोलॉजी, योर वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर नीट प्रिपरेशन। तो आज इस वीडियो में ऑन पॉपुलर डिमांड, सीरियसली ऑन पॉपुलर डिमांड, बच्चे मेरे बायो के टॉपिक के बाद जब मैंने मैराथन लिया तो आपको पता मेरा मैराथन कितने व्यूज क्रॉस कर चुका है? 1,10,000 इन अ डे, एक दिन में क्रॉस कर चुका है। तो सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर इतना सारा प्यार देने के लिए। अब कुछ बच्चे कहेंगे आपने उनके व्यूज देखे हैं कभी? एक दिन में इतने हुए थे। भाई हम इतने में खुश हैं, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, हम खुश हैं खुश हैं, खुश रहने दो मुझे, ठीक है? चलो आओ इसी के साथ हम शुरू करते हैं। टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ फिजिक्स, ये वो टॉपिक्स है जो सुष्णता दीदी ने बनाया है। सुष्णता दीदी वो दीदी है जो 3 टाइम्स ड्रॉपर थी, उनके 36 मार्क्स आए थे फिजिक्स में, एंड उन्होंने अपनी फिजिक्स पे इस तरीके से काम किया कि उनके 156 मार्क्स आए थे फाइनल नीट एग्जाम में लास्ट ईयर। नाउ शी इज इन मेडिकल कॉलेज इन कोलकाता एंड शी इज डूइंग ग्रेट। तो उन्होंने ये बना के दिया। सबसे पहले थैंक्स टू दो स्टूडेंट्स हु आर ऑलवेज हेल्पिंग मी आउट। आप ही जैसे बच्चे हैं जब नीट कॉलेज में जाते हैं, मेडिकल कॉलेज में जाते हैं, तो मेरी हेल्प करने के लिए आ जाते हैं। तो यू पीपल आर माई सेवियर्स, ठीक है? तो भाई जितनी भी इंफॉर्मेशन है, ये सारी PDF और फॉर्मूला शीट्स जो हैं और चैनल को जो सब्सक्राइब करने का काम है, ये सारा आपको टेलीग्राम t.me गर्मागोल बायोलॉजी पे करना है, ठीक है? यस। तो अब इसके साथ शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हमको समझना होगा कि क्या है इसका वेटेज, ठीक है? तो अगर मैकेनिक्स का देखें तो देखिए ये हमारा वेटेज मैकेनिक्स का 12 का, ठीक है? तो टोटल क्वेश्चन 50 आते हैं, ठीक है? एंड ये हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स का है, वेव्स देखिए थोड़ा सा कम ही है, ऑप्टिक्स देखेंगे तो ये हमारा 4 क्वेश्चन का, ठीक है? और ये मॉडर्न फिजिक्स देखें तो काफी है यार, और 5 का अगर देखेंगे तो ये हमारा मैग्नेटिज्म है, इलेक्ट्रिसिटी भी हमारा करीबन करीबन 5 है, ठीक है? ये 12। तो अगर मैं देखूं तो मैकेनिक्स एक ऐसी यूनिट है जो काफी बच्चों दमदार यूनिट है, ठीक है? तो इस तरीके से हमें सबसे पहले मैकेनिक्स को ऊपर रखना है, ठीक है? एनालिसिस बेस्ड ऑन द लास्ट ईयर पेपर पैटर्न, ये लास्ट ईयर का पेपर पैटर्न है। हाल ही में 2 साल से पेपर पैटर्न चेंज हो रहा है नीट का, तो इसलिए हर साल का पेपर पैटर्न समझना बहुत जरूरी है, ठीक है? तो सबसे पहले आते हैं मॉडर्न फिजिक्स पे, यहाँ से क्वेश्चन काफी आते हैं जिसमें सेमीकंडक्टर्स इज एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट। इसके सारे क्वेश्चंस कर लो, अगर लास्ट मिनट में आपके नहीं बन रहे मार्क्स, आपके कुछ नहीं बन रहे, आपसे 20 मार्क्स ला रहे हैं फिजिक्स में, नैया डुबो रखी है फिजिक्स ने तुम्हारी, ये तुम्हारी नैया आगे जाने ही नहीं दे रहा है, तुम्हारा मेडिकल सपने के आगे ये खड़ा हुआ है, तो सारे सेमीकंडक्टर्स के PYQ लगा डालो, क्योंकि घूम फिर के वही क्वेश्चन आएंगे। तो मैं उन बच्चों के लिए वीडियो बना रही हूँ जो बच्चे 10 मार्क्स 20 मार्क्स स्कोर कर रहे हैं, एंड दिस वीडियो कैन रियली हेल्प देम टू स्कोर गुड मार्क्स, ठीक है? तो अगर सेमीकंडक्टर्स नहीं आ रहा है, क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तो PYQs लगा लो। क्या लगा लो? PYQs लगा लो, क्योंकि क्वेश्चन घूम फिर के वहीं से आएगा। लॉजिक गेट्स के क्वेश्चन देख लो, नहीं आते तो यूट्यूब पे लॉजिक गेट 1 शॉट सर्च करो, सिर्फ लॉजिक गेट का वीडियो देखो 2x की स्पीड पे, ठीक है? ट्रांजिस्टर, रेक्टिफायर, डायोड, एम्पलीफायर, ठीक है? एक्सपेक्ट 1 क्वेश्चन एटलीस्ट फ्रॉम दिस, यानी कि इन 3 से, यहां से आप देख रहे हैं, 2 से 1 क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है? फिर आते हैं सर्किट फॉर्मुला, वेरी इंपॉर्टेंट, जो भी सर्किट के फॉर्मुला है वेरी इंपॉर्टेंट है, उसकी फॉर्मुला शीट में दे दूंगी। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्वेश्चन आस्क वेरी फ्रीक्वेंट इन द पास्ट फ्यू इयर्स। तो जो बच्चे है सुष्णता, उसका एनालिसिस ये है कि मैम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से क्वेश्चन बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली आ रहा है। न्यूक्लियर फिजन फ्यूजन रिएक्शन, यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है, बट अगर इनमें भी मैं कहूँ तो टॉप इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ट्रांजिस्टर, रेक्टिफायर, डायोड, एम्पलीफायर, लॉजिक गेट्स, ठीक है? अब आते हैं रे ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स की बात करें तो वेव एंड रे ऑप्टिक्स है यहाँ पे। इसमें ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स सीधा फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन आता है, सारे क्वेश्चन लगा डालो PYQs के, सारे लगा दो फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन, कहाँ कौन सा फॉर्मुला यूज हो रहा है, कैसा क्वेश्चन आता है, लगा डालो, ठीक है? एप्लीकेशंस ऑफ रिफ्रैक्शन लेंस, प्रिज्म फॉर्मुला एंड इट्स एप्लीकेशन, तो फॉर्मुला पता होना चाहिए प्रिज्म का और कहाँ कहाँ ये यूज होता है ये भी पता करना है, थोड़ी सी थियोरी भी पढ़ के जानी है, ठीक है बच्चों? फिर आते हैं वेव ऑप्टिक्स, फॉर्मुलाज ऑन इंटेंसिटी, वेव ऑप्टिक्स में भी कौन से फॉर्मुला सबसे इंपॉर्टेंट है जो इंटेंसिटी बेस्ड है, इंटरफेरेंस बेस्ड है, मैलस बेस्ड है, ठीक है? मैलस लॉ पे, ठीक है? फिर आते हैं नेक्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑप्टिक्स, ठीक है? अब यहां पे अगर बात करें 3 से 4 क्वेश्चन एवरी ईयर आ रहे हैं, अगर नहीं आता है इसका 1 शॉट निकालो, इसके PYQs आज रात में सॉल्व करके सोना है। 4 क्वेश्चन का मतलब है 12 नंबर जेब में आ सकते हैं। जो बच्चा स्कोर ही 10 नंबर कर रहा है, 20 नंबर कर रहा है, उसके लिए तो ये जन्नत है जन्नत, ठीक है? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैपेसिटर का क्वेश्चन है, ठीक है?
करंट इलेक्ट्रिसिटी, 3 से 4 क्वेश्चन इस वाली पूरे से आ रहा है, ठीक है, जिसके अंदर हमारे सर्किट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर आते हैं मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, ये चैप्टर तो बच्चों को बहुत पसंद है। एम्पियर सर्किट लॉ, ये इंपॉर्टेंट है। फोर्स ऑन मूविंग चार्ज, लॉरेंट्स फोर्स एंड एप्लीकेशन, सो थोड़ा थियोरी पार्ट भी आपको करके जाना है, ठीक है। अब आते हैं ईएमआई, मैग्नेटिज्म एंड मैटर, फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन आएंगे टोरॉइड एंड सोलिनॉइड के, फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन, कर डालो सारे पी वाई क्यूज इसके लगा डालो सारे के सारे, ठीक है। फिर आते एट्थ, एट्थ हमारा प्लीज प्रैक्टिस वेक्टर्स, हैव एप्लीकेशन इन ऑल ऑफ फिजिक्स, जितने भी वेक्टर्स हैं सबसे पहले आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि पूरी फिजिक्स में कहीं ना कहीं यूज होता है, नहीं है टाइम कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। वर्क एनर्जी थियोरम एंड उसकी एप्लीकेशन करेंगे, रोटेशन के फॉर्मूलाज वेरी इंपॉर्टेंट है लिखे हुए हैं दीदी ने, न्यूटन्स लॉ ऑफ एप्लीकेशन सुपर इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब आते हैं थर्मल फिजिक्स, थर्मोडाइनमिक्स लॉज एंड कैन नॉट इंजन इंपॉर्टेंट है, कैन नॉट इंजन के वन शॉट छोटे छोटे वीडियो जो होते हैं जो टीचर्स बनाते हैं, जो भी आपका फेवरेट टीचर है वहां से निकाल लो, ठीक है। एस एच एम एंड साउंड फॉर्मूला वेरी इंपॉर्टेंट है, इजी टू मेमोराइज है, बिल्कुल। तो ये हमारे टॉप 10 क्वेश्चंस, टॉप 10 टॉपिक्स जो 120 मार्क्स आपको दिला सकते हैं, तो बहुत एम्बिशियस ना होके 100 नंबर की अभी तैयारी करो। अगर आपके बायो में अराउंड 320-340 आ रहे हैं, देखो 340 बायो में आ रहे हैं, 310-320, ठीक है, बायो आपका अच्छा है क्योंकि हम इससे पढ़ रहे हैं, ठीक है। केमिस्ट्री में मान लीजिए आप 130 के अराउंड आ रहे हैं, यहाँ पे आप 100, तो ये स्कोर बनता है अराउंड 570, ठीक है। और अगर आपके पास कैटेगरी है इट विल बी वेरी हेल्पफुल, ठीक है। बट अगर आपके पास कैटेगरी नहीं है, जनरल है, तो इसको अराउंड आपने 120 करना होगा, इसे अराउंड 140 करना पड़ेगा, 30 नंबर आपको चाहिए, 600 पे आपका मनचाह मेडिकल कॉलेज है, ठीक है बच्चों। नाउ हाउएवर इट डज नॉट मीन ओनली दीज नीड टू बी स्टडीड, दीदी ने पॉइंट लिखा है, ऑल्टरनेटिंग करंट, ईएम वेव्स, डायमेंशंस ऑल्सो हैव क्वेश्चंस एवरी ईयर, ठीक है। द अदर माइनर चैप्टर्स डू टू, बट दीज आर द मोस्ट स्कोरिंग पोर्शन, दीदी ने डिस्क्लेमर अच्छे से दिया है, ठीक है। रोटेशनल मैकेनिक्स कैन बी डिफिकल्ट बट मेमोराइजिंग द फॉर्मुलाज विल हेल्प, रोटेशनल मैकेनिक्स जो है बच्चों को टफ लगता है बट फॉर्मुला शीट विल हेल्प। ये फॉर्मुला शीट आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगी, t.me@garmagoyalbiology, ठीक है। तो बच्चों वीडियो कैसी लगी मुझे जरूर बताना, अगर ये हेल्पफुल है तो जरूर बताना, आपके लिए जो आपको चाहिए मैं सब बनाने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। बहुत जल्दी हम अभ्यास बुक, जो मेरी बुक है, उसका एक पेपर सॉल्व करने वाले हैं इसी चैनल पे, तो सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि बहुत अमेजिंग अमेजिंग कॉन्टेंट आपके लिए आने वाला है, अभी आपन रुकने नहीं वाला है, ठीक है ना, रुकने वाले नहीं। तो #NEET फोड़ेगा, कैसे नहीं फोड़ेगा, नहीं फोड़ेगा तो फोड़वाएंगे, बट फोड़ेगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच बच्चों, सी यू सून।